हेलो ऑल, वेलकम टू पीटीएस। पीटीएस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप पीटीएस पर नए हैं तो मेक श्योर आप पीटीएस को सब्सक्राइब कर लें। पीटीएस देती है आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग कॉल्स। हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो गया है। अगर किसी व्यक्ति को भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे इस आइकन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करके हमारी ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो आप हमें इस क्वारी सेक्शन में हमें क्वारी सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि देखिए आप फिर वीडियो स्किप करेंगे तो आपसे क्या होगा कि आपसे पॉइंट मिस हो जाएंगे, फिर आप का लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने FPI पे जो टैक्स था वो हटाया है। तो हो सकता है, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी एटलीस्ट 100 पॉइंट ऊपर खुले और बैंक निफ्टी 300 से 350 पॉइंट ऊपर खुले। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन लेवल्स पे अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना है मार्केट में, क्योंकि देखो ये लेवल बहुत क्रिटिकल है, बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये जो सब न्यूज़ है, एक बार डिस्काउंट हो जाने दीजिए, तब आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कर क्या रहा है। एनीवे, चलिए हम जानते हैं चार्ट्स पे क्या कर रहा है मार्केट। पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी का चार्ट, ये डेली का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। देखिए मेरे को निफ्टी फिलहाल मेरे को एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। ये है डेली के टाइम फ्रेम पे। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो ये निफ्टी करीबन कब से ऊपर, बात कर सकते हैं हम जुलाई से ये एक डाउन ट्रेंड लाइन में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक बियरिश कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकडाउन, ठीक है दोस्तों। अब जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, अब देखो कई लोग, आपको पता होना चाहिए, जो 200 पॉइंट जो फॉल आया था निफ्टी में और अगले दिन 250 पॉइंट जो चढ़ा 200 से 250 पॉइंट, तो वो रिट्रेसमेंट था। क्योंकि देखो निफ्टी यहाँ से मोटा मोटी आप कह लीजिए, आप कह सकते हैं कि निफ्टी देखो यहाँ से मोटा मोटी यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ से अब क्या करना है, देखिए निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट कहाँ तक देगा, आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ पे आ रही है, 10,950 तक आ रही है। तो जो रिट्रेसमेंट आएगा निफ्टी में 10,950 तक आएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जिस हिसाब से निफ्टी, ये प्रीवियस डेटा आप देख रहे हैं, ये जो प्रीवियस डेटा है, निफ्टी लगभग दो हफ्ते से कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकडाउन। तो सेम एज इट इज़ निफ्टी यहाँ पे करने के लिए रेडी हो गया है अब। बट हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब तक निफ्टी 10,950 के नीचे रहेगा, जब तक निफ्टी 10,050 के नीचे कमजोरी दिखाएगा, तभी हमको शॉर्ट सेल करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भी वीकली का टाइम फ्रेम दिखाने वाला हूँ निफ्टी में। देखिए अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, जैसे इस प्रकार से किया है, तो जो निफ्टी में जो टारगेट हमारा बनेगा, वो हमारा टारगेट बनेगा 10,400 और 10,300 का टारगेट बनेगा आने वाले 2 से 4 हफ्तों में निफ्टी के लिए। आई नो कुछ व्यक्तियों को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों सच है। अभी जो पुलबैक मिल रहा है, लेकिन उस पुलबैक को हमें बेचने के लिए यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं थोड़ा चलता हूँ निफ्टी के वीकली के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वीकली के टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह है वीकली का टाइम फ्रेम। वीकली के टाइम फ्रेम पे ये कितनी बार सपोर्ट लिया है, 1, 2, 3 और ये चौथी बार देखो लेने गया था, ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। और आप देख रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन के साथ एक वीकली कैंडल क्लोज हो गई है हमारे इस लाइन के नीचे, जो क्रिटिकल लाइन थी हमारी, ओके दोस्तों। तो अच्छा, जरा देख लेते हैं हम कितना लेवल है। ये जो लेवल है हमारा 980 का है, मतलब जो वीकली अगर निफ्ट
निफ्टी को अपना ट्रेंड चेंज करना है तो 10,980 के अगर ऊपर कोई कैंडल टिकेगी वीकली, तभी हमको बाइंग इनिशिएट करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप बस ये लिख लीजिए कि अगर एक और कैंडल 10,980 के नीचे क्लोज हो गई वीकली निफ्टी में, तो निफ्टी में आने वाले दिनों में मैंने जो लेवल बताया 10,400 और 10,300, ये 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे जो आपको इंडिकेशन मिलते हैं, यही सब आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो देखिए अगर आपने ये सब ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में ये जब बड़ा बन जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो दिया था, यहाँ तो बेचना था, लेकिन आप उस टाइम कहाँ थे जब ये आपको इंडिकेशन दिया था, छोटा जब वहाँ पे मौका था। तो इस छोटे मौके को आपको बड़ा बनाना है। इंडेक्स अभी यहाँ से अभी नीचे के साइड मूव दिखाने वाला है, ठीक है, 2 से 4 हफ्तों में। दोस्तों मैं देखो एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अगर देखिए निफ्टी 10 सालों में यहाँ से दुगना करना है तो निफ्टी यहाँ से दुगना नहीं करेगा, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मंथली के टाइम फ्रेम पे, आप देख रहे हैं ये मंथली का टाइम फ्रेम का डेटा, आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से निफ्टी चल रहा है इस लाइन पे जब जब इस लाइन पे आया है तब तब इसने लंबी रैली भरी है। देख रहे हैं यहाँ पे आके इसने लंबी रैली भरी है, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो मेरे को वही लग रहा है सेम एज इट इज़ कि निफ्टी चलो हमारा कितना 10,400 तक आएगा। देखो ये डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाएगा इस प्रकार से नहीं आ जाएगा, इसको अब आने में मैं आपको वीकली कर देता हूँ। ये देखिए डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाएगा, अभी इसको देखो कुछ इस प्रकार से आएगा। हर चीज़ का देखिए तरीका होता है, निफ्टी हो सकता है देखो थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे 10,300-400 पे आ जाए, तो ये 100% होना है, तभी देख रहे हो आप। मैं आपको और चीज़ दिखा दूँ, ये मंथली का हमारा है, जब ये नीचे आ जाएगा तभी निफ्टी यहाँ से ऑल टाइम हाई 10 सालों में हमारा 15,000 और 19,000 का लेवल देखने को मिलेगा निफ्टी में। ये 100% होना है, क्योंकि देखो कभी भी मार्केट ऊपर से बुल फेस स्टार्ट नहीं हुआ है। बुल फेस स्टार्ट होने के लिए मार्केट में ये इस लाइन पे आया है 10,300-400 तक 100% इसको आना है। आप लिख लीजिए, आप यहाँ देखो यहाँ से बुल फेस स्टार्ट हुआ 5,000 से 9,000-9,500 क्या 7,100 से 12,000, तो ये चीज़ होनी है 2,700 से 6,000, तो ये चीज़ 100% होनी है। यहाँ मार्केट नहीं रुकेगा, मार्केट को 10,200-10,300 तक आना है। सो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी का। दोस्तों ये जो मैं आप सबको टाइम बता रहा हूँ 2 से 4 हफ्तों का, ये मिनिमम है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, मतलब अभी मैं जिसकी एनालिसिस करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की भी, तो हो सकता है कि ये सब मेरे टारगेट तक आने के लिए काफ़ी टाइम लगा दें, मतलब 2 से 4 महीने भी लगा दें, लेकिन ये होना है चाहे कैसे भी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मूव करते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों बैंक निफ्टी देखिए सेम एज इट इज़ मेरे को यही लग रहा है, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कुछ सेम इसी प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, बेयरिश कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन अगेन से यहाँ से बेयरिश कंसोलिडेशन कहाँ तक देखने को मिलेगा दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा 27,500 तक। 27,500 तक आपको बेयरिश कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। जब तक 27,500 के नीचे है आपको, जब तक आपको बैंक निफ्टी 27,500 के नीचे कमजोरी दिखाएगा, आपको क्या शॉर्ट करना, आपको कहाँ तक शॉर्ट करना है। जब तक आपको बैंक निफ्टी 27,500 के नीचे कमजोरी दिखाएगा आप शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी सेम जो 2 से 4 हफ्ते का जो टारगेट बनता है वो बनता है आपका 24,500 का। आई नो ये जो टारगेट है आने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको 100% आना है। देखिए बैंक निफ्टी मैं अगर वीकली की टाइम फ्रेम पे इसको शो करूं आपको, सेम एज इट इज़ देख रहे हैं आप, बैंक निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पे जिस
जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था वहाँ से ये सपोर्ट तोड़ चुका है। हमें बस एक और कैंडल चाहिए। एक और कैंडल कितने के नीचे दोस्तों? 27,800 के नीचे। 27,800 मान लीजिए आप, 27,800 के नीचे अगर एक और कैंडल बनी तो बैंक निफ्टी हमारा 25,500 और 24,500 तक आने की ट्राई कर सकता है। सो दोस्तों, यही है हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी पे एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, ये जो मैंने आपको ओवरऑल जो सिनेरियो बताया है, ये आई नो कोई और बंदा नहीं बता सकता, क्योंकि क्योंकि बाकी लोग को अभी देखने आ ही रहा नहीं है कि निफ्टी और निफ्टी क्या करने वाला है। मैं क्यों बोलता हूँ पीटीएस खास है, क्योंकि पीटीएस आगे का भविष्य देख पाती है। निफ्टी मैंने क्या बताया आपको, निफ्टी यहाँ नहीं रुकेगा, बस ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बस एक कैंडल और वीकली बन जाए कितने के नीचे, 10,000, एक सेकेंड, 10,000 हमारा 950 के नीचे, आपको 100% 10,200, 10,300 का लेवल देखने को मिलेगा निफ्टी में। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार से एनालिसिस करनी है और अगर आपको भी अपना इंट्राडे का लॉस रिकवर करना है, दोस्तों पीटीएस आपके लिए हाजिर है। दोस्तों पीटीएस का मकसद ये है कि आप लोगों को ज्ञान दे सके। देखिए कॉल्स पे कभी डिपेंड मत होइए, ठीक है, क्योंकि कॉल्स आपका कभी भला नहीं करेंगी। पीटीएस चाहती है कि आप सब अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आप सब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें। दोस्तों देखिए 125 करोड़ भारत की आबादी है और पीटीएस चाहती है कि 125 करोड़ लोग ज्ञान ले सकें। कौन सा ज्ञान? जो पीटीएस देती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि पीटीएस के पास क्या है, दोस्तों आप जाके मेरी वीडियोस देखिए, आप वीडियोस देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या शक्ति है पीटीएस के पास। तो मैं वही कह रहा हूँ, 125 करोड़ लोगों को अभी ये नॉलेज देना है। ये जो ट्रेनिंग हम चला रहे हैं, इस नॉलेज के बेस पे सबको अभी वो पावर देनी है जो हमारे पास है। दोस्तों अगर आपको भी शामिल होना है पीटीएस में, तो आइए आज से ही ज्वाइन कीजिए। ये कल का, देखिए ये जो कल का ताता है, ये जो हम कल देखते हैं सोचते हैं, ये दोस्तों ये इस प्रकार के व्यक्ति सोचते रह जाते हैं। अगर आपको अभी बदलाव लाना है, आज ही आइए और आज ही अपना जीवन में बदलाव लाइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।